हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपका वेलकम हो चुका है नादिशा के ब्लॉग में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो गए और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको बोली थी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो एक्चुअली कैंसिल हो चुका है। मैं नहीं गई, मेरे बच्चे और शोहर चले गए हैं अपनी उनकी बहन के साथ, वो गए हैं गाँव। और मैं आपसे मैं शूट भी नहीं करी, घाई घाई में वो लोग निकले, क्योंकि वो लोग जा रहे थे कल बट निकले लोग आज। वो लोग जा रहे थे सैटरडे के दिन, तो सैटरडे को कैंसिल हो गया था, तो उन लोग अभी निकले संडे को। इसके लिए वो उनको बहुत लेट हो गया था, उनको निकलना था सुबह सुबह पर लेट हो गए, लेट उठे, इसलिए वो घाई घाई से चले गए। गाड़ी लेकर गए, ट्रेन से नहीं गए, गाड़ी से गए हैं। उनकी जो बहन है उनकी गाड़ी है, तो उससे वो लोग गए। तो अब लेट हो गया, तो मैं भी उनको नाश्ता विश्ता देने में, नहलाने में, बच्चों को जैसा रापी तो नहलाना पड़ता है मुझे, तो उसको नहलाने, कप चेंज कराने, ये वो करने में मैं भूल गई और मैं शूट ही नहीं करी और वो लोग निकल गए। तो अभी मैं बैठी हूँ, मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी बहन गई है अभी फ्रेश होने के लिए। तो अब मैं उसके घर चली जाऊँ, क्योंकि मैं इतने बड़े घर में अकेली तो रह नहीं सकती हूँ, तो मैं चली जाऊँगी उसके घर पे। वैसे भी मुझे उसी के घर पे जाना था, मैं अम्मी हम लोग सब उस घर उसके घर जाने वाले रहने के लिए, तीन चार जब तक मतलब ये लोग नहीं रहते तब तक मैं रहकर आऊँगी, क्योंकि ऐसा मुझे जाने नहीं मिलता है। क्योंकि फिर मैं चले गई तो मेरे पीछे इनको खाना कौन देगा, मुझे ये टेंशन रहती है। तो अब जैसा वो गाँव गए, वो मुझे बहुत ज़िद कर रहे थे चलने के लिए, लेकिन मैं उनको बोली एक बार तुम जाकर आओ, वो भी ज़िद कर रहे थे, वो जो रेशमा पापा है वो भी ज़िद कर रहे थे कि तू चल, तू चलेगी तो अच्छा लगता है। बट मैं इसके लिए नहीं गई उनके साथ, क्योंकि ना मैं बहुत टाइम हो गया मैं अम्मी के साथ, मतलब जब से मेरी सास इंतकाल होने के पहले से, जैसा मेरी सास बहुत बीमार हो गए थे, तो मैं तब से लेके अभी तक मेरी अम्मी के साथ कभी ना 5-6 घंटा भी नहीं रुकी। अब ये फर्स्ट टाइम ईद वाले दिन जो बासित को जो मैं गई थी ना, तब मैं अपनी अम्मी के साथ इतना टाइम रुकी। तो मैं सोची कि थोड़ा बहन और अम्मी के साथ रहती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मैं इसके घर पे भी गई हूँ ऐसा, बीच में एक बार गई थी बट मैं रहने नहीं गई थी, तो इन लोगों के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे। फिर बाद में इंशाल्लाह फिर रेशमा पापा को जाना होगा गाँव, तो फिर मैं उनके साथ जरूर जाऊँगी। मेरी बहन का नाम भी रेशमा है और जो मेरी ननन है उनका भी नाम रेशमा है। तो फिर अभी देखते हैं, अभी हम लोग आज तो नहीं जाएंगे, हम लोग मंडे को जाएंगे, मैं कल जाऊंगी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि शूट करूंगी, आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कैसे जाऊंगी इसके घर में, ट्रेन से जाना पड़ता है, कैसा ऐसा घर क्या है, मैं आप लोगों को सब बताऊँगी। तो बस अभी बैठे हैं, हम लोगों का नाश्ता भी हो गया, वो बच्चे भी चले गए, बच्चे चले जाते ना मैं नहीं तो बोलती हूँ नहीं जाना है नहीं जाना, लेकिन मुझे बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि हम लोग कभी जल्दी एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, चारों जन हम लोग साथ में ही रहते हैं ज़्यादातर। अब वो लोग चले गए ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अंदर से अजीब सा हो रहा है, लेकिन क्या करूँगी, मुझे इन लोगों के साथ मतलब इन लोगों के भी साथ रहना था, इसलिए मैं नहीं गई। कोई नहीं, चलो देखते हैं इंशाल्लाह, अभी एक बार इन लोगों के साथ रह गए, फिर नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर मैं जाऊँगी उन लोगों के साथ, क्योंकि बच्चे लोग रह गए थे ना तो अच्छा लगता है। अभी एकदम ऐसा घर एकदम खाली खाली हो गया, भले से वो है लेकिन फिर भी राफिद का चेहरा ना बार बार सामने आता है। तो चलिए फिर, तो गाइस मैं बना रही हूँ दाल चावल, आज दाल चावल खाएंगे, क्योंकि चिकन खा के बोर हो गए थे। ऐसे तो चिकन था बट उसको चिकन नहीं खाना था, मेरी बहन को वो बोर ही है, मुझे चिकन नहीं खाना है, मैं इतने दिन से चिकन खा के कंटाल गई थी। तो तू एक काम कर, दाल चावल बना, साथ में मैं बनाऊँगी सूखी भूमिल का ठेचा। तो अभी मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने चिकन के लिए यहाँ पे कांदा भी तेल में डाली, बट वो बोलती मुझे खाने ही नहीं होगा, मैं खाऊंगी नहीं, तो इसके लिए मैंने वापस से दाल जाके बाज़ार से लेकर आई हूँ, दाल चावल दोनों चढ़ाई, क्योंकि हम लोग दोनों ही है। और यहाँ पे बर्तन है, तो गाइस अभी हम लोगों का खाना हो चुका, देखिए खाते बैठिए, मेरा हो गया, मैंने अपनी प्लेट भी अंदर लेके गई, आज ज़्यादा कुछ नहीं, खाली दाल चावल और बोमिल का ठेचा। मैं आपको बोमिल का ठेचा दिखाती हूँ, ये देखो, ये है बोमिल का ठेचा, इधर दाल है, चावल मैं अपने साथ अंदर लेके जाके रख दी। बस अभी हो गया है सब कुछ, अभी बैठेंगे सो जाएंगे, अभी बैठेंगे भी तो अभी बस सो जाएंगे, मेरा नहा कर भी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी मैं सो जाऊंगी थोड़ा टाइम, फिर मिलूंगी आपसे शाम में चाय के साथ। तो गाइस अभी हो चुका है शाम का वक्त, तो हम लोगों ने चाय भी पी ली है, शिरकुमा भी था ईद का रखा हुआ, क्योंकि ईद के दूसरे दिन हम लोग चले गए थे अम्मी के इधर, तो ज़्यादा हम लोग मीठा नहीं खाते, तो थोड़ा थोड़ा ही बस पीते और रखते, अभी हो जाएगा ख़त्म, अभी इसने और मैंने पी लिए, अभी देखते हैं, अभी और थोड़ा है, अभी कल हम लोग को जाना है, तो घर पर कोई रहेगा नहीं, क्योंकि बच्चे और ये चले गए मेरे हस्बैंड बाहर, मीन्स गाँव गए हैं वो लोग, और मैं जाऊँगी मेरी बहन के घर पर, तो कल घर पे कोई रहेगा नहीं, इसे आज ही पूरा ख़त्म करना है।
तो कोई नहीं, मेरी बहन खाती है, उसको सब हजम होता है, वो खा लेती है, वो उसको दे देगी रात में। तो अभी बस इंतज़ार हो रहा है पानी का, पानी आएगा तो पानी भरूंगी, कपड़े धो दूंगी अगर आया तो, क्योंकि पानी तो मिल रहा नहीं, कल एक ही दिन आया है और इतने दिन से कपड़े भी नहीं धुले, ईद में एक ही दिन मैंने कपड़े धोए, उसके बाद से अभी तक कपड़े नहीं धुले क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। देखते अगर कभी आज आया है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, चलो फिर। तो गाइस ये लोग गए हैं गांव, तो वहाँ पे नदी में इनको दिखी सील, जो होती ना सील, वो ब्लैक कलर की जो एकदम मोटी टाइप जैसी होती है, जाड़ी जाड़ी वो थी। तो ये मुझे पानी में दिखा रहे थे, तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजे थे, तो उसका बहुत सारा झूम था, तो वो इतना कैप्चर नहीं हो रहा था। देखो देखो आप लोग को दिख रहा होगा, बीच में देखिए बहुत ही अच्छी लग रही थी। पता है वो पानी में जो होते हैं वो ब्लैक कलर के पूरे होते, कभी भी ऐसा पत्थर वित्तर पे आके भी बैठ जाते साइड में, उसका पूरा झूम था। तो वो मुझे वीडियो भेजे, तो मैं सोची मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, इसके लिए मैंने अपने वीडियो में इसको ऐड करी, तो आप लोग देखिए ये। तो गाइज मैं वीडियो एंड करने का भूल गई थी, तो चलो गाइज आज तो आज ज़्यादा आप लोगों को कुछ मैं दिखा नहीं पाई वीडियो में, क्योंकि मुझे बहुत काम था आज, घर में पानी आया था तो बहुत सारे 4 दिन के कपड़े थे, तो मैंने एक साथ पूरे कपड़े धोई, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैं वीडियो एंड नहीं कर पाई। तो चलो वीडियो एंड करती, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।